हूँ मरियम शेफ और मेरा चैनल है मरियम किचन 786। आज हम बनाएंगे आलू बुखारे की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बुखारे की चटनी और ये हमारा आलू बुखारा है आधा किलो। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो ये हैं नमक, सुरख मिर्च, बादाम और ये चारों मग्स और ये सब्ज इलायची 4 से 5 और आधा किलो आलू बुखारे में 1 किलो चीनी डलेगी जो हमने रखी हुई है। ठीक है, ये अब हम इसमें डालेंगे आलू बुखारा जो कि हमने पहले ही 2 घंटे से भिगो कर रखा हुआ है। आधा किलो आलू बुखारे में ये 3 कप पानी के डालते हैं। ठीक है, जो कि 1 कप इसमें पहले ही डाला हुआ भिगा हुआ है, ये ज़्यादा पानी नहीं हम डाल सकते क्योंकि ये 2 घंटे पहले का भिगा हुआ है। अभी हम इसको कम से कम 15-20 मिनट इसी तरह हम चम्मच चलाएंगे, इसको पकाते रहेंगे जब तक ये फूल नहीं जाता, जब तक इसको उबाल नहीं आ जाता। अब हम इसको ढक देते हैं, जैसे उबाल आएगा तो फिर इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे वक्फे वक्फे से। ये हमारे 35 ग्राम बादाम है जो कि हमने उबाल कर पानी को छिलका इसका उतार दिया है और ये 20 ग्राम चारों मग्स हैं, इसके दाने पीस लिए हुए। देखिए हमारे इसमें आलू बुखारे की चटनी में उबाल आ गया, अब इसमें चलाएंगे चम्मच। दो घंटे पानी में डिप रहने से ये काफ़ी फूल चुका है। अब ये जल्दी से कम अज़ कम इसको आधे घंटे में हमारी ये आलू बुखारे की चटनी तैयार हो जाएगी। जैसे ये पानी थोड़ा सा ड्राई होगा इस पर हम मसाला सारी चीज़ें डालेंगे जो भी हमने रखी हुई हैं। अब ये देखें 10 मिनट हो गए हमारी आलू बुखारे की चटनी पक रही है। अब इसमें डालेंगे हम नमक। ये देखिए थोड़ा सा नमक ज़्यादा है, ये देखिए 1/4 चम्मच। ये हमारा सुरख मिर्च पाउडर है, इसको ब्राई नाम ये देखें, सिर्फ इतना सा डालना है, ज़्यादा नहीं। हमारी चटनी को पकते हुए कम से कम 15 मिनट हो गए। अब इसमें डालेंगे चीनी, शुगर 1 kg। ये हमने चीनी इसमें डाली, चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना कम से कम। अभी 15 मिनट हम इसे और पकाएंगे, इसमें बाकी बादाम वगैरह चारों मग्स पिस्ता वो सारी चीज़ें इसमें डालेंगे हम और लास्ट में डालेंगे सब्ज इलायची का पाउडर। देखिए हमारी चटपट में तैयार होने वाली है। आप इसको बस 2 घंटा पहले भिगो लें आलू बुखारे को। अब हमने इसमें चीनी डाली है, चीनी मेल्ट होने के बाद हमने ठीक इसको 10 मिनट पकाना है। जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट होगी इसमें बादाम पिस्ता सब्ज इलायची पाउडर सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद ठीक 5 मिनट बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। ठीक है, ये चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी हुई है। अब इसमें डालेंगे हम मग्स, बादाम, ये हमारे सबसे पहले जाएंगे इसमें बादाम 35 ग्राम और ये मग्स है 20 ग्राम। बस हमने फिर इसको चेक कर लेना कि इसकी दार नहीं बनने देनी, जैसे शीरा हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा हमने फ्लेम ऑफ कर देना। अभी ये हमारी चटनी तैयार नहीं हुई। ये हमारा पिस्ता है 10 ग्राम, ये हमारा पक रहा है, आँच इसको थोड़ी सी हल्की करेंगे। इसको हमने पकते हुए में डालना है थोड़ा सा 4-5 सब्ज़ी इलायची जो कि हमने पाउडर रेडी किया हुआ था पीस के। ये अभी हमारी पक रही है, ये देखें इस कदर खूबसूरत शक्ल है इसकी, आलू बुखारा सारा फूल गया है। अभी जो कम इसको 5 या 6 मिनट और पकाएंगे बस। ये हमारी चटनी तैयार है, अभी नहीं, अभी हमारा शीरा गाढ़ा नहीं हुआ। अब ये देखें ये बिल्कुल तैयार होने को है, इसके ऊपर जाग आना शुरू होगी नहीं है। अभी जैसे जाग ख़त्म होगी तो ये समझ लें बिल्कुल तैयार है हमारी। ठीक आधा घंटा ये हमारी, आधे घंटे में हमारी आलू बुखारे की चटनी तैयार है। हमने देख लेना कि शीरा अभी हमारा गाढ़ा नहीं हुआ,
थोड़ा सा जैसे गाढ़ा होगा तो आप निबस इसके बनने दे देंगे। हमारी चटनी तैयार होने वाली है। अभी ये हमारी चटनी पक रही है, अभी तैयार नहीं हुई। ये देखें, ये बिल्कुल फूल गया है, बस रेडी होने को। ये देखें, अभी नहीं तैयार हुआ। ये हमने कलर इसके लिए तैयार किया है। इसका कलर हमने डालना इसमें पिंक कलर। ये देखें, थोड़ा सा बिल्कुल हमने पानी में डाला है। ये अब बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है। इसमें थोड़ा सा ये फूड कलर हमने डाला है। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। दो मिनट हम पकाएंगे तो हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। इसमें से बस हमें पानी खत्म करना है। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। बाहर आएंगे तो फ्लेम हम ऑफ करेंगे और हमारी चटनी ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बिल्कुल। दो मिनट हो गए इसको पकते हुए, अभी हम फ्लेम ऑफ करेंगे, डिश आउट करेंगे। इसमें एक बॉल में हम डालते हैं, जो हम आपको दिखाते हैं। तो ये जैसे ठंडी होगी ये बिल्कुल गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए हमारी आलू पकौड़ी।